जग में जन्मे जब बाल भये काया वृद्ध होने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, तब क्या कहते हैं लोग? जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की सन की, यही कहते हैं। पता नहीं कभी ऐसा लग जाए, बुढ़ापा आ जाता है ज्यादा। जब वृद्ध बही तन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की सन की, दे मन मुख सूचि करे रही अंत समय मन की रही अंत समय से कहते हैं। जब नारद जी उनको डराते हैं कि भैया इस जंगल में तुम तपस्या करोगे तो तुम्हें यहाँ पर बड़े बड़े शेर रहते हैं, जानवर रहते, तुमको खा जाएंगे और तुम्हें भूख लगेगी तो तुम क्या पियोगे, क्या खाओगे, यहाँ पर तो तुम्हारे मैया बाबा नहीं आएंगे। लेकिन बड़ी सुंदर बात कहते हैं ध्रुव जी महाराज। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भए तो अन्न देगो। या जब उस विधाता ने, मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे मुंह में दांत नहीं थे, तब उसने मुझे पीने के लिए दूध दिया, अब अगर मेरे मुंह में दांत है तो मेरे भोजन का प्रबंध भी कर देगा। आप क्यों घबराते हैं नारद जी? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भए तो अन्न देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेते वो तेरी उलेगो, सबकी सुध लेते वो तेरा उलेगो, सबकी सुध लेते वो तेरी उलेगो, सबकी सुध लेते वो तेरी ही लेगो, सबकी सुध लेते वो तेरी ही लेगो, सबकी सुध लेते वो तेरी ही लेगो। और क्या कहते हैं नारद जी महाराज से ध्रुव जी महाराज? या ठाकुर जी के द्वार पर जो जाता है, ठाकुर जी ये नहीं पूछते, यदि हम संसार के लोगों से कुछ मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, तो पहले तो वो सारा पता हमारा लेते हैं, भैया कहाँ रहते हो तभी तो हम तुम्हें धन दौलत दे पाएंगे, क्या पता कल को लेकर भाग जाओ और हम ढूंढते रहें। लेकिन भैया जब ठाकुर जी के दर पे जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं ना, तो भगवान उनसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, और इतना देते हैं कि शायद
उन्होंने अपने जीवन में नहीं पाया होगा। ठाकुर जी बहुत देते हैं और वो ये नहीं कहते कि भैया मैं तुझे नहीं जानता तो मैं इसीलिए तुझे नहीं दूंगा, सबके भंडार भरते हैं। जान को देते अनजान को देते, जान को देते अनजान को देते, जहान को देते वो तो कुह देगो रे, मन मुख सोच करे महाराज 5 महीने की तपस्या पूर्ण करते हैं, सारे ब्रह्मांड का प्राणवायु रुक जाता है। भगवान से सारे देवता कहते हैं कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है, हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऐसा कौन सा भक्त हो गया जिसने सारे ब्रह्मांड का वायु रोक लिया है। आप देखो तो सही, जाकर भगवान विष्णु कहते हैं कि देवताओं आप घबराओ मत, मेरा एक छोटा सा परम भक्त वो बहुत कठिन तपस्या कर रहा है मेरे दर्शन पाने के लिए। तब सभी देवताओं को आश्वासन दिलाते हुए भगवान नारायण वृंदावन में मधुवन में ध्रुव जी महाराज को दर्शन देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। तो भैया वृंदावन में बिहारी जी ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया, तो हम भी चलें वृंदावन। वृंदावन धाम अपार जपे जाए, हाँ सब शुरू हो जाएंगे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वो है जाए बेड़ा पार जपे जा रहा।
पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ ऊपर ताली सेवा करते हैं।